ये लाल किले से आई आवाज, सहगल ढिल्लो शाहनवाज। धरोहर के पिछले एपिसोड में हम आपको लेके आए थे लाल किला, जहाँ हमने इसके इतिहास के बारे में जाना। इसी चीज़ को आज हम जारी रखेंगे और आज हम आपको लेके आए लाल किला में मौजूद म्यूजियम्स में, जिसमें आज़ादी के दीवाने, आज़ाद हिंद फौज जैसे म्यूजियम शामिल हैं। तो चलिए साकिब सलीम के साथ लेकर चलते हैं आपको आज़ादी के उस पुराने दौर में। ये जो है म्यूजियम्स जो है ये कब बने? शुरू से तो नहीं थे क्योंकि पहले से। जी जी, यहाँ पर कुछ म्यूजियम असल में पहले से भी थे लाल किले के अंदर, उनका रेनोवेशन हुआ। और जैसे ये म्यूजियम है तो ये सब 2019 में बना है। और मतलब ये एक अंडरस्टैंडिंग थी कि यहाँ पर म्यूजियम होना चाहिए और के आज़ाद हिंद फौज पर एक म्यूजियम या बाकी भी चीज़ों पर एक म्यूजियम लाल किले के अंदर होना चाहिए, क्योंकि लाल किला भारत का प्रतीक है। जैसे हमने नीचे दो झंडे देखे, एक पे चरखा था एक पे टाइगर, तो उसका क्या मतलब है, क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए, असल में जब आज़ाद हिंद फौज जो सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार, असल में सबसे पहले ये मैं क्लियर कर दूं, आमतौर पर हमें याद रहता है आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी, लेकिन वो असल में एक सरकार की आर्मी है जिसका नाम आर्जी हुकूमत आज़ाद हिंद है, जिसके प्रेजिडेंट हमारे सुभाष चंद्र बोस बने थे। तो पहले एक सरकार बनाई गई थी जिसे बहुत सारी कंट्रीज़ ने रिकग्नाइज भी किया था। तो उनका एक झंडा हुआ जिस झंडे को तिरंगा झंडा बना, बीच में चरखा भी था, ठीक है, जो कि कांग्रेस का था। लेकिन उससे पहले वो बर्लिन भी गए थे, जैसा कि ज़्यादातर लोगों को पता है। तो वहाँ पर जो एक वो मूवमेंट या एक आर्मी बनाई गई थी, उसका जो झंडा था, जो कि बाद में भी एम्बलम बना रहा, एम्बलम आज़ाद हिंद फौज का भी है वो, लेकिन उसका मेन झंडा है वो, तो उस पर स्प्रिंगिंग टाइगर है। स्प्रिंगिंग ऐसे कूदता हुआ बाघ, कूदता हुआ बाघ असल में टीपू सुल्तान का अपना एम्बलम होता था। तो उस एम्बलम को ही लिया गया था, क्योंकि टीपू सुल्तान सुभाष चंद्र बोस की नज़र में भी और हर हिंदुस्तानी की नज़र में अंग्रेज़ों के सामने अगर देखा जाए तो लड़ने वाला जो सबसे मजबूत हिंदुस्तानी अगर हम किसी का नाम लें तो उसमें टीपू सुल्तान पहला बड़ा और शायद उनसे मजबूत तो कोई नाम है भी नहीं, तो वो थे। इसलिए वहाँ पर स्प्रिंगिंग टाइगर था। सर, ये मैं जानना चाहूँगी कि लाल किले में जो म्यूज़ियम है, लाल किले में ही क्यों? जी, ये एक बहुत अच्छा सवाल है कि लाल किले में ही क्यों। जैसा कि हमने पहले भी बात की कि लाल किला जो है वो वहाँ पर शुरू से हमारे जो सुभाष चंद्र बोस थे या फिर दीगर लोग थे, तो सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था दिल्ली चलो। दिल्ली क्यों जाना था? तो दिल्ली में उन्होंने यही कहा कि लाल किले पर जाकर झंडा फहराएंगे। क्यों फहराएंगे? क्योंकि हमारे 1857 का सिंबल था ये। तो उनका ये कहना था कि जैसे हिंदुस्तान को वापस पाना है, जो 1857 में हम नहीं कर पाए वो हम करेंगे। और उसके बाद अंग्रेज़ों ने जब आज़ाद हिंद फौज को हटना पड़ा पीछे, तो यहाँ आज़ाद हिंद फौज के कैदियों को लाकर यहीं पर उनसे मुकदमा चलाया, बेसिकली इसी बिल्डिंग में मुकदमे चले। तो उन पर जो जिसे INA ट्रायल्स कहते हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों पर मुकदमे चले, तो वो मुकदमे भी यहाँ पर चले। तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस का जवाब देने के लिए किया। तो जब भारत आज़ाद हो गया तो ये समझा गया, थोड़ा लेट समझा गया, लेकिन ये समझा गया कि देखिए अंग्रेज़ों ने जहाँ पे हम वो ये चाहते थे कि हमें बेइज्जत करें, तो ठीक है, हम अब उन्हें जवाब देंगे। हमारा नेशनलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई हमने यहाँ पर कुछ किया है, तो अब हम यहीं पर वो म्यूज़ियम बनाएं, यहीं पर उसे याद करें। तो जैसे हम आज़ादी के दीवाने नाम के इस म्यूज़ियम में, और यहाँ हम देख सकते हैं अबुल कलाम आज़ाद, श्री अरबिंदो, इन सब के नाम है, तो इनके बारे में आप थोड़ा हमें और बताइए। जी देखिए, बेसिकली आज़ादी के दीवाने इस पूरे म्यूज़ियम का जो कंसेप्ट था वो ये दिया गया था कि कुछ ऐसा हो जिसमें कि कुछ ऐसे लोग या ऐसी चीज़ों की बात हो जो कि बहुत आम नहीं है लेकिन है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो जब आप इसमें एंटर करते हैं तो आपको एक तोप रखी हुई दिखाई देती है। तो बेसिकली ये और पीछे उसके राइटअप है, पेंटिंग्स हैं, ये बताने के लिए वो वहाँ पर मौजूद है कि अंग्रेज़ों ने 1857 और उसके बाद हिंदुस्तानियों को
फांसी से ही सज़ा नहीं दी है, बहुत सारे लोगों को तोप के आगे बांध दिया जाता था, तोप से उड़ा दिया जाता था। और ये चीज़ मतलब ये उनका एक तरीका था। तो इस तरीके के जुल्म सामने लाना, उन लोगों की बात करना, आप यहाँ पे सेक्शन देखेंगे जहाँ पर कि हमने अंडमान जेल को भी देखा है कि अंडमान जेल में किस तरीके से अगर कैदी भूख हड़ताल करते थे तो उन्हें ज़बरदस्ती उनके मुंह में दूध डाला जाता था जिसमें वो कई बार मर जाया करते थे, या किस तरीके से उन्हें वहाँ पर जूट के कपड़े पहना दिए जाते थे जो कि ह्यूमिड कंडीशन में उनकी पूरी स्किन को उधेड़ दिया करता था, या उनसे तेल निकलवाया जाता था। यहाँ पर अलग अलग लोगों के आप नाम देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से गदर पार्टी या बाकी रेवोल्यूशनरीज एक दूसरे को मैसेज कोड में भेजा करते थे, इसकी भी बात हुई है, जो कि आमतौर पर आपको नहीं मिलती। अगर बहुत ही नॉर्मल किताबें आप पढ़ रहे हैं तो नहीं मिलेगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से और सभी का यहाँ पर वो है, जैसे यहाँ पर बंकन मुंडा नाम की एक औरत का जिक्र है जिसने विद्रोह किया था। यहाँ पर तिंकरजीत सिंह का नाम है, नॉर्थ ईस्ट के लोगों का नाम आ रहा है, आप समझ रहे हैं। आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको भील, मुंडा, फ़कीर, आपको मौलवी लोग, मतलब यहाँ पर सभी लोग, उलमा, यहाँ पर सबका रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाई देगा, सबकी बात हो रही होगी। यहाँ पर काडू मकरानी नाम के एक आदमी की आपको कहानी लगी हुई अभी दिखाई देगी। काडू मकरानी ये किया करते थे कि काडू मकरानी एक बलोच थे, मुसलमान ही थे, और वो अंग्रेज़ों की नाक काट लिया करते थे। तो इसलिए उनका मतलब बहुत ही अच्छा किस्सा है कि वो अंग्रेज़ों को मारते नहीं थे, उनकी नाक काटते थे। तो ये बड़ा मतलब ऐसे ऐसे किस्से आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको आप देखिए, आपको राजा महेंद्र दिखाई देंगे, आपको बाबा रामचंद्र दिखाई देंगे जिनके बाकी जगह जिक्र नहीं होते हैं। शेर अली पर यहाँ पर आपको दिखाई देगा, आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान में कैसा आदमी था जिसने वॉइस रॉय का एसेसिनेशन किया है। तो ऐसी चीज़ें जो कहीं नहीं हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर आप अखबारात के बारे में देख रहे हैं, कौन से अखबार बैन हुए थे। एक और चीज़ जिसकी बात कहीं नहीं होती है वो है कि प्रिंसली स्टेट्स में जो रियासतें थी वहाँ पर क्या हो रहा था। तो रियासतों में भी जो राजा थे, क्योंकि वो अंग्रेज़ों के साथ ही थे ना, तो वो हिंदुस्तानियों पर जो जुल्म कर रहे थे वो भी यहाँ पर उभारे गए हैं। यहाँ पर जगह जगह पुलिस फायरिंग का भी एक अलग सेक्शन बनाया गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर उन चीज़ों की बात हुई है जो चीज़ें आम तौर पर लोगों की नज़र में नहीं आई। जैसे हम देख रहे हैं वुमेन इन पावर, तो इसके बारे में आप हम कुछ बताएं। बेसिकली यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि रिप्रेजेंटेशन सबको दिया गया है जिनकी आमतौर पर बात नहीं होती। तो आमतौर पर हमारे समाज में औरतों की तो बात वैसे भी कम ही होती है। तो यहाँ पर आप औरतों के बारे में देखते हैं कि आज़ाद हिंद फौज में औरतों की पूरी रेजिमेंट है। रानी लक्ष्मीबाई, खैर इनको तो सभी जानते हैं। आप देखते हैं बीना दास की बात हो रही है, यहाँ पर रानी की बात हो रही है, नानी बाला देवी की बात हो रही है, निशातुन्निसा की बात हो रही है, आप आगे देखेंगे गुलाब कौर की बात हो रही है। तो इसमें अगर आप देखें तो किस तरीके से निशातुन्निसा का रोल है, निशातुन्निसा को लोग हसरत मोहानी की वाइफ से ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर हुई हैं। अब जैसे अगर हम किसी से कहें निशातुन्निसा तो लोगों को नहीं पता होता है कि उनका क्या रोल है, जबकि उनका रोल भारत में पहली बार कांग्रेस में कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी पूर्ण स्वराज की डिमांड जब उठाई गई थी तो उसमें इनका रोल था। और काफ़ी ऐसे रोल हैं, तो ऐसे रोल इनके सामने आते हैं, या फिर गुलाब कौर का अपना रोल था। तो ये सारे रोल जो कहीं आपको आमतौर पर नहीं देखने को मिलते हैं, ये विमेन का रोल यहाँ पर उभारा गया है। बाकी भी छोटे छोटे राइटअप्स आपको पूरे में दिखाई देंगे, लेकिन ये डेडिकेटेड है। तो ये जो आज़ादी के दीवाने म्यूज़ियम है, इसके बारे में हम आप एंड में हमें क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि आपने अभी देखा तो इसमें हमारे पास कुछ ऐसे लोगों की बात भी हो रही है जिनकी बात, जैसे कि मैंने पहले कहा, जिनकी बात कहीं नहीं हो रही है। यहाँ पर डेडिकेटेड सेक्शन आपने देखा ऐसे रेवोल्यूशनरीज जो कि भारत के बाहर से ऑपरेट कर रहे थे, जैसे राजा महेंद्र प्रताप, मौलवी बरकतुल्ला, या फिर आपके लाला हरदयाल, इन लोगों की, श्यामजी कृष्ण वर्मा, इन सब की बात हो रही है। यहाँ पर आपने ये देखा कि किस तरीके से जर्नलिस्ट्स का क्या रोल है, गणेश शंकर विद्यार्थी, मौलवी बाकर, या फिर मोहम्मद मुनीस, इन सब की बात भी हो रही है। यहाँ पर जुगांतर की बात हो रही है, यहाँ पर इवन यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर की बात हो रही है। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आमतौर पर कोई एज अ रेवोल्यूशनरी बात नहीं करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग जो फीचर है यहाँ का, यहाँ पे
बच्चों की बात भी है, एक डेडिकेटेड सेक्शन है बच्चों का, जिसमें कि आप देखेंगे बाजी राउत नाम के एक लड़के के बारे में है जिसने अंग्रेज़ों को सामने से चैलेंज किया था 12 साल की उम्र में, उड़ीसा के थे वो, और उन्हें अंग्रेज़ों की गोली का शिकार होना पड़ा। और आप बिशन सिंह को देखेंगे, आप वहाँ पे नंदनी सतपति को देखेंगे जो कि पुलिस के, मतलब 9 साल की उम्र में उन्होंने एक झंडा उतारा और अंग्रेज़ों का, और जिसके लिए काफ़ी उन्हें सज़ा सहनी पड़ी। आगे चलकर नंदिनी सतपति उड़ीसा की चीफ मिनिस्टर बनी। तो ऐसे लोगों का वहाँ पर जिक्र देखने को मिलता है। यहाँ पर लेस नोन कहानियाँ हैं, जैसे यहाँ पर मिदनापुर की एक कहानी आपको मिलेगी जहाँ एक कलेक्टर आता था, अगला कलेक्टर आता था, अगला कलेक्टर आता था और सबको मार दिया जाता था। आखिर में हालत ये आ गई थी कि अंग्रेज़ अफसरों ने वहाँ पर कलेक्टर बनने से ही मना कर दिया था। तो मतलब ऐसी कहानियाँ जो कहीं नहीं हैं, वो कहानियाँ आपको यहाँ पर सामने से हाईलाइट की जा रही है। ज़रा ए कुंज मरकद, याद रखना उस हमियत को कि घर वीरान करके हम तुझे आबाद करते हैं। धरोहर के इस एपिसोड में हम आपको लेकर आए थे लाल किला में मौजूद म्यूजियम्स में। तो अगर आप दिल्ली आ रहे हैं तो इन म्यूजियम्स में आना न भूलें। ऐसी और भी वीडियोस के लिए देखते रहिए आवाज़ द वॉइस।